Hello everyone, this is Dharmesh here. I am heartily welcoming you all in my channel Biology of Life. Today I am here with you to discuss about those personality whose name take with respect. Yes, I'm talking about the ji Tata and the world famous organizations. Here yeah, you may like to know that institution is IISC and the Typher. Today, and talk about the journey of IISC from 18th century to till date. In this particular session, I will be discuss about the history, admission procedure, fee structures of IISC, and yes, job opportunity with the salary package. Indian Institute of Science, India ka jo nationalized ranking framework hai, always get top. फ्री में रहती है लास्ट ईयर उनका फर्स्ट रैंक था आईएसी के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें जमशेद जी जी टाटा के बारे में बताना चाहता हूं पहली बार उनके दिमाग में ऐसी कोई इंस्टीट्यूशंस के बारे में एटीनथ सेंचुरी में विचार आया था देन आफ्टर 1909 में उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की परमिशन दे दी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जमीन की जरूरत होती है आई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मैसूर दरबार ने अपनी 371 एकड़ जमीन जो बेंगलुरु में थी वो आई इंस्टीट्यूशन को दे दी जमशेद जी नसरवान जी टाटा और टाटा फैमिली के हर एक सदस्य ने इस देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं उन लोगों ने नबल की ऐसी इंस्टीट्यूशंस बनाई बट उसके साथ साथ ही उन लोगों ने बहुत सारे इकोनॉमिकल हेल्प्स भारत को की है कोविड 19 में भी सबसे ज्यादा फंड 1500 करोड़ रुपीस उसने पीएम फंड में डाले हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए बनाया गया था कि जिनको ज्यादा रिसर्च में इंटरेस्ट हो और कुछ देश के लिए करना चाहते हो नाउ नेक्स्ट पॉइंट अवेलेबल वहां पे कौन कौन से कोर्सेस बैचलर ऑफ साइंस इन रिसर्च और इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम ये दो प्रोग्राम्स वहां पी एच डी एक ग्रेजुएशन के लिए होता है दूसरा इंटीग्रेटेड पीएचडी है दैट एमएससी प्लस पीएचडी सब्जेक्ट ऑफर वहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर बायोलॉजी केमिकल साइंस मटेरियल साइंस एनोमिटिकल साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटी सो इन सारे सब्जेक्ट्स में आपको बैचलर्स का डिग्री दिया जाता है सिलेबस एंड देर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे टोटल फोर इयर्स का बैचलर होता है उन चारों चार साल में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर में यहां पे बायोलॉजी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग एंड ह्यूमिनिटी मैथ्स एंड फिजिक्स ये

इसमें आपको कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एंटर होना है तो आपको क्या क्या चाहिए यू मस्ट फर्स्ट क्लास इन बैचलर और इवन और इन एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंस बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बैचलर्स इन फार्मास्यूटिकल वेटनरी साइंस और एग्रीकल्चर साइंस मतलब इतने अलग अलग जो आप है जो मैं स्क्रीन से आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें आप अगर है आपका एलिजिबिलिटी बनता है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेटेड पीएचडी में इन्वॉल्व हो सकते हैं नाउ लेट्स फोकस ऑन अवर मेन पॉइंट यहां पे जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको आई जैसी इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेनी है जहां पे जहां से वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और वर्ल्ड नोटेड साइंटिस्ट जनरेट होते हैं वो इंस्टीट्यूशंस में एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना होगा एलिजिबिलिटी क्या है क्वालिफिकेशन क्या है तो देखते वन बाय वन दैट इज सी इन द कॉर्नर एलिजिबिलिटी में आपको यहां पे दिखाया जहां पे मेरा कर्सर है अगर आप ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन में एंटर होना चाहते हैं तो आपका ट्वेल्थ और इक्विवेलेंट को डिग्री होना चाहिए उसके बाद आपको दूसरी रिक्वायरमेंट है के वी पी वाई अदरवाइज आई आई टी जेडब्लू मेन एंड नीट अगर इन तीनों में से आपका है तो हो जाएगा आपको मतलब एडमिशन्स के लिए आप एलिजिबल हो आपको आपको जी चाहिए के वीपीवाई चाहिए अदरवाइज आपको नीट चाहिए उसके मतलब उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट होगा नॉर्मली यहाँ पे वन तो ट्वेंटी सीट्स है उसके मेरिट होगा और आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होगा ये केवीपीवाई शायद आपको पता नहीं होगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में केवीपीआई केवीपीवाई के बारे में बताऊंगा इफ यू वॉन्ट टू एंटर इंडर इंडिकेटेड पी एच डी प्रोग्राम

आपके कोई इंस्टीट्यूशन में करना है तो आप ये प्रोग्राम भी कर सकते डिर्थ डिर्थ आप में भी डी कर सकते हैं जो आई है, उसमें भी आप आ, एंट्री ले सकते हो उसके लिए आपको चाहिए नेट, गेट और नेट में भी थोड़ा किया गया है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन नेट है उसमें सी एस आई आर है यू जी सी है आ, वो ही एलिजिबल है बाकी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती आई सी एम आर भी है और एक लास्ट जो कॉलम है उसमें आपको आप देख सकते हो अगर आपको कोई ऐसी जगह पे वर्क लेके वर्क करना है अगर आप कोई दिल्ली में है और दिल्ली में आप कोई जॉब कर रहे और हो, हो और कोई लैब में हो कोई इंडस्ट्रीज में हो आपको पीएचडी करना है तो डायरेक्टली आप एक्सटर्नल पीएचडी भी कर सकते हो वहाँ पे गाइड अगर आपके कोई रेडी होने चाहिए वो बहुत कंपल्सरी है ना यो वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वट इज द फीस स्ट्रक्चर सब कुछ पता है भाई फीस कितना है वो तो मैं जानना चाहिए मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको पंद्रह हज़ार एनुअली और फिफ्टी पंद्रह हज़ार दूर से डिपोजिटरी आपको देना पड़ेगा मतलब पंद्रह हज़ार आपका फ़ीस में आ जाएगा पंद्रह हज़ार आपके डिपोजिट में लेते हैं वो आपको रिफंडेबल है वो उनका डिटेल में आपको स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है लेकिन पंद्रह हज़ार एनुअली और पंद्रह हज़ार दूसरे डिपोजिट में डिपॉजिट अमाउंट देना है वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा और हॉस्टल्स जो भी है उनके लिए आपको एक्स्ट्रा जो भी है वो देना पड़ेगा यहाँ का दूसरा एक बेनिफिट ये है कि अगर के वी के पी वाई करके आप आते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है ये छोड़ के भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स यहाँ पे आपको मिलती है तो मेरे हिसाब से अगर आप स्कॉलरशिप लेके आते हो तो आपके लिए मतलब कोई फ़ीस का कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज मेजोरिटी स्कॉलरशिप में मैंने जितना जानता हूँ उसके हिसाब से सेवन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी एट एनुअली मतलब सेवन मंथली अगर आपको मिले तो आपका हो गया Um, मतलब कुल नियर अबाउट वन लेख तो आपको मिल जाएगा और वन मैक वन लैख में आपका वन ईयर तो आराम से हो जाएगा कोई डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ पे जॉब मिलेगा भाई और कितना इनकम होगा यहाँ पे यहाँ से जितने भी निकलते हैं वो सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन में इनका एंट्री हो जाता है अगर फॉरन में भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं तो मेजोरिटी ऑन एन एवरेज आपका जो इनिशियल पैकेज है यहाँ से आप रिफ्री वो टेन लैख के आसपास है और मैंने वहाँ उसका अपर लिमिट भी देखा है दैट इज़ फिफ्टी लेख सो दैट इज़ एवरीथिंग अबाउट द आई आई सी तो मैंने यहाँ तक आपको आई एस सी की जितने भी एडमिशन प्रोसीजर्स है और uh, कैसे एडमिशन्स होता है उनके क्या क्राइटेरियाज़ है कौन सी एलिजिबिलिटीज़ है उसकी और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर्स है ये सब कुछ बता दिया है अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है आई एस सी के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं फिलहाल के लिए इतना ही आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मेरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बारे में बता बनाता रहता हूँ तो आपको शायद उसके बारे में अपडेट मिलता रहे सो दैट इज़ ऑल थैंक यू थैंक यू सो मच